हेलो डोमेस्ट लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। महीने भर के अंदर हसीमारा में औपचारिक रूप से एंडक किया जाएगा रफेल फाइटर्स को। जम्मू कश्मीर में एक बड़े आतंकी को ढेर करके भारत के फोर्सेस को मिली बड़ी सफलता। ऑर्नेस फैक्ट्री बोर्ड के निगमीकरण वाले फैसले के खिलाफ डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉइज जा सकते हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियार रखने के पीछे भारत को बताया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वजह। पूरी दुनिया में चाइनीज वायरस फैलाने वाली चाइनीज लेबोरेटरी को चीन सम्मानित करने जा रहा है एक प्राइस से। आज का सबसे पहला अपडेट जम्मू कश्मीर से है, जिसे आप आज के सबसे बेस्ट डिफेंस अपडेट में भी काउंट कर सकते हैं। और वो अपडेट यह है कि कल शाम को जम्मू कश्मीर के सोपोर में जम्मू कश्मीर पुलिस के इनपुट्स के आधार पर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। और जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन में पाकिस्तान द्वारा समर्थित 3 लश्कर के आतंकियों को ढेर किया गया है, और जिनमें उनके एक टॉप कमांडर मुदस्सिर पंडित भी शामिल है। और ये मुदस्सिर पंडित वही आतंकी है जो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के 3 जवान, 2 काउंसलर्स और 2 सिविलियंस की किलिंग में शामिल था। और जब हमने आतंकियों के इस कायरतापूर्ण हमले को अपने डिफेंस अपडेट में कवर किया था, तो उसी के साथ हमने आपको ये भी कहा था कि हमारी फोर्स जल्द ही इस कायरतापूर्ण हमले में शामिल उन आतंकियों को सही जगह पहुंचा देगी। तो आपको बता दें कि कल के ऑपरेशन में इन आतंकियों को उनकी सही जगह पहुंचा दिया गया है। पुलिस ऑफिसर्स के मुताबिक ये मुठभेड़ कल उत्तर कश्मीर जिले के सोपोर के गुनब्राथ इलाके में रविवार रात शुरू हुई थी, क्योंकि उन्हें सूचना मिली थी कि इस इलाके में मुदस्सिर पंडित के साथ कम से कम 3 आतंकी मौजूद हैं। फिर जिसके बाद इस पूरे इलाके की घेराबंदी करके एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। और कश्मीर के IGP विजय कुमार का कहना है कि इस मुदस्सिर पंडित का मारा जाना स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। और जबकि उन्होंने ये भी बताया कि जो दूसरा आतंकी मारा गया है वो एक पाकिस्तानी नागरिक था, और जिसकी पहचान असरार अब्दुल्ला के तौर पर हुई है, और ये उत्तर कश्मीर में 2018 से ही सक्रिय था। और इस ऑपरेशन में शामिल आर्मी ऑफिशियल के मुताबिक ये जो ऑपरेशन था ये हमारी फोर्सेस के लिए काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि आतंकियों का एक हार्डकोर ग्रुप था जो कि लगातार हमला कर रहा था, और ये सभी संयुक्त रूप से मिलकर हम पर हमला कर रहे थे। लेकिन अब फोर्स के संयुक्त प्रयास के साथ इन आतंकियों के गठजोड़ को तोड़ दिया गया है, और इनके वहां से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुए हैं, जिसमें 3 AK-47 के साथ उनकी कुछ मैगजीन्स भी शामिल हैं। और जबकि एक रिपोर्ट असम के कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट से भी आई है, जहां स्थानीय पुलिस ने UPRF के 2 आतंकियों को ढेर किया है, और इन मारे गए आतंकियों से 2 AK-47 राइफल और कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी बरामद हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पूर्वी मोर्चे पर चीन का सामना करने के लिए हसीमारा एयरबेस पर औपचारिक रूप से इंडक किए जाने से पहले इंडियन एयरफोर्स ने अंबाला में रफेल फाइटर की दूसरे स्क्वाड्रन को बनाया है, जो कि महीने भर के अंदर हसीमारा एयरबेस पर औपचारिक रूप से इंडक की जाएगी। और इंडियन एयरफोर्स सोर्सेज के मुताबिक फिलहाल अभी रफेल फाइटर्स के इस दूसरे स्क्वाड्रन को 5 रफेल फाइटर्स के साथ हसीमारा एयरबेस पर इंडक किया जाएगा, और इस स्क्वाड्रन को पूरा करने के लिए अगले साल अप्रैल से पहले बाकी के रफेल फाइटर्स भी भारत पहुंच जाएंगे। हालांकि रफेल फाइटर्स की जो ये दूसरी 101 स्क्वाड्रन है, इसके इंडक्शन की जो फॉर्मल सेरेमनी है वो पहले ही होनी थी, लेकिन चाइनीज वायरस की वजह से इसमें भी डिले देखने को मिला है। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि एशिया रीजन की सबसे एडवांस फाइटर रफेल के लिए भारत में 2 मेन ऑपरेटिंग बेस है, एक है अम्बाला एयरबेस और दूसरा है हसीमारा एयरबेस। हालांकि वो बात अलग है कि जरूरत पड़ने पर ये फाइटर्स देश के किसी भी हिस्से से ऑपरेट किए जा सकते हैं। और कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली है जिसके मुताबिक इस बात की संभावना है कि इंडियन एयरफोर्स एम्ब्रियर E-145 पर आधारित नेत्र वॉक सिस्टम के कुछ एडिशनल ऑर्डर्स दे सकती है। भारत सरकार द्वारा ऑर्डनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किए जाने वाले फैसले के बाद कल रविवार को डिफेंस सिविलियन एम्प्लॉइज की 3 मेन फेडरेशंस ने एक जॉइंट मीटिंग कंडक्ट की थी, और इस मीटिंग के दौरान उन्होंने संयुक्त रूप से ये तय किया है कि वे भारत सरकार के इस फैसले के खिलाफ 19 जुलाई से एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और जो ये 3 मेन फेडरेशंस हैं, जिनमें ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन, इंडियन नेशनल डिफेंस वर्कर्स फेडरेशन और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ शामिल है, तो इन तीनों के प्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा इन फेडरेशंस को दिए गए पिछले सभी लिखित आश्वासनों और प्रतिबद्धता के उल्लंघन के रूप में एक गंभीर चिंता व्यक्त की है। और उनका ये कहना है कि भारत सरकार ने पहले इनसे ये कहा था कि ऑर्नेस फैक्ट्री का निगमीकरण नहीं होगा, लेकिन अब वे इसका निगमीकरण करके अपने पहले के सभी वादों का उल्लंघन कर रहे हैं। और जबकि द हिंदू की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि तीनों मेजर फेडरेशंस के एब्सेंस में जो चीफ लेबर कमिश्नर है, उन्होंने जल्दबाजी में सुलह की कार्रवाई समाप्त कर दी थी और 15 जून को एक फेलियर रिपोर्ट रिकॉर्ड की गई थी, और इसी ने कैबिनेट को इस निगमीकरण वाले मुद्दे पर अपना निर्णय लेने में सक्षम बनाया है। और बाकी इस पर आगे जो भी नया अपडेट आएगा, डिफेंस अपडेट के माध्यम से आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी। इंडियन आर्मी के लांस हवलदार शंभू कुमार ने एक सांस में और एक ट्यून में लगातार 80 सेकंड तक शंख बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और बता दें कि गिनीज बुक में अभी तक किसी और के नाम ये रिकॉर्ड नहीं था।
और लांस हवलदार शंभू कुमार के विश्व रिकॉर्ड बनाने की जो इच्छा थी वो काफी दिनों से थी, और जब गिनीज बुक वालों ने 70 सेकंड तक शंख बजाने का उन्हें लक्ष्य दिया तो उन्हें थोड़ा कठिन लगा, लेकिन फिर उन्होंने लगातार योग करके 5 मिनट तक सांस रोकने की कोशिश का अभ्यास किया और एक निरंतर अभ्यास के साथ वे गिनीज की टीम के सामने शंख बजाने का रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहे। और वैसे भी आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और इस गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले अपडेट के साथ आप योगा की महत्वता को भी समझ सकते हैं। और वैसे आपको बता दें कि आज पूरे देश भर में योगा दिवस को मनाया गया है और जिसमें हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस और अन्य सभी फोर्सेस ने भी इस योगा दिवस को अपने अपने तरीके से मनाया है। और अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस के योगा दिवस की झलक देखना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग हमने एक आर्टिकल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट defenseexp.com पर पब्लिश किया है। बाकी योगा से याद आया, आज नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक नया दावा किया है जिसमें उनका यह कहना है कि योगा का ओरिजिन भारत से नहीं बल्कि नेपाल से हुआ है, और जब पूरी दुनिया में योगा स्टार्ट हुआ था तब भारत उसके आसपास भी नहीं था। मतलब अब क्या कहें, ऐसे ऐसे लोग हैं। कुछ दिनों में ऐसे भी दावे किए जा सकते हैं कि जब बिग बैंग हुआ था तो सबसे पहले नेपाल बना था, फिर उसके बाद सारी चीजें वहां से ओरिजिनेट हुई थी। और एक तरफ नेपाल के प्रधानमंत्री का ये बयान है, वहीं दूसरी तरफ चीन ने अपनी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को COVID-19 यानी कि चाइनीज वायरस पैथोजनी को आइडेंटिफाई करने के लिए 2021 के आउटस्टैंडिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी अचीवमेंट प्राइज के लिए लिस्ट किया है। वैसे चीन की इस लेबोरेटरी का भी सही है कि पहले वायरस बनाओ, फिर उस वायरस को आइडेंटिफाई करने का नाटक करो, पूरी दुनिया की ऐसी तैसी करो और फिर अंत में प्राइज भी ले जाओ। बाकी इसके अलावा एक रिपोर्ट यह है कि जब अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल से उन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर सवाल पूछा गया था जिसमें यह कहा जा रहा था कि थिएटर कमांड्स को बनाने वाली योजना में इंडियन एयरफोर्स इसका विरोध कर रही है जबकि इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी इसके सपोर्ट में है, तो इसके जवाब में इंडियन एयरफोर्स ऑफिशियल का कहना था कि इस मुद्दे पर आधिकारिक तौर पर विचार विमर्श अभी भी जारी है और इंडियन एयरफोर्स थिएटर कमांड जैसे इश्यू को मीडिया में डिस्कस नहीं करना चाहती है, और इसलिए उनकी तरफ से उन मीडिया रिपोर्ट्स पर भी कमेंट करने से मना किया गया है जिसमें ये सजेस्ट किया जा रहा था कि इंडियन एयरफोर्स थिएटर कमांड वाली योजना के सपोर्ट में नहीं है। अभी हाल ही में HBO पर एक इंटरव्यू के दौरान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से उस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया जिसमें यह कहा गया था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये कहना था कि मुझे नहीं पता कि यह रिपोर्ट किस आधार पर जारी की गई है, बल्कि उनका यह कहना था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो केवल डेटरेंट पर्पस के लिए है ताकि हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये बढ़ भी रहा है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये कोई ऑफेंसिव थिंग नहीं है क्योंकि कोई भी देश जिसका पड़ोसी उससे 7 गुना ज्यादा बड़ा है तो उसे तो चिंता होगी ही। खैर, इसमें सबसे कमाल की बात तो यह है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है कि वो इस बारे में श्योर नहीं है कि उनका न्यूक्लियर आर्सेनल बढ़ रहा है या नहीं। मतलब उन्हें नहीं पता तो फिर किसे पता होगा, और वे चाहते तो सीरियस का जवाब ये भी दे सकते थे कि ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है। और जहां तक बात है चिंता करने की, तो आज तक तो भारत ने कभी पाकिस्तान को ऐसा कहा तो है नहीं कि हम तुम पर परमाणु बम गिरा देंगे, बल्कि पाकिस्तान के ही मंत्रीगण परमाणु बम गिराने की धमकी ज्यादा देते हैं। और इस पर आगे उन्होंने ये भी कहा कि वे पूरी तरीके से परमाणु हथियारों के खिलाफ थे। हमने भारत के साथ 3 युद्ध किए हैं और जब से हमारे पास परमाणु हथियार आया है तब से दोनों देशों के बीच कोई भी युद्ध नहीं हुआ है। इसके बाद हमारे बीच सीमा पर झड़पें हुई हैं लेकिन हमने कभी युद्ध का सामना नहीं किया है। और उनका यह भी कहना था कि जब कश्मीर के मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे तब दोनों देशों के लोग अच्छी तरीके से रह सकेंगे और फिर उसके बाद हमें न्यूक्लियर डिटेरेंट रखने की आवश्यकता भी नहीं होगी। हालांकि वो बात अलग है कि शायद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कारगिल युद्ध को भूल चुके हैं और इस युद्ध से पहले ही उनके पास परमाणु हथियार आ चुके थे और इसी युद्ध में एक बार के लिए पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने वाला भी था। और बाकी जहां तक बात है बाकी के 3 युद्धों की, तो जहां तक हम समझते हैं ये सारे युद्ध पाकिस्तान की तरफ से ही शुरू किए गए थे, हालांकि वो बात अलग है उनका अंत भारत ने ही करा। और इसी इंटरव्यू के दौरान जब उनसे ये पूछा गया कि वे वेस्ट में इस्लामोफोबिया को लेकर काफी ज्यादा बोलते हैं लेकिन जब बात आती है चीन में रहने वाले उइगर मुस्लिम्स के खिलाफ होने वाले जेनोसाइड की तो वे उस पर चुप क्यों रहते हैं, तो इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कहना था कि इन सारे इश्यूज पर चीन के साथ वे बंद दरवाजों के पीछे बात करते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चीन हमारा एक बहुत ही अच्छा मित्र है जिसने हमेशा मुश्किल वक्त में उनकी मदद की है और इसके लिए हम उनका सम्मान करते हैं और बाकी के जो भी मुद्दे हैं उनके बारे में हम बंद दरवाजों के पीछे बात करते हैं। और बाकी इसी इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने और भी कई सारे उल्टे सीधे जवाब दिए हैं और उनमें से एक ऐसा है जिसको लेकर तो अभी कॉन्ट्रोवर्सी भी चल रही है और उम्मीद है उसके बारे में आपको पता ही होगा। कल के जो हमारे टॉप 3 कमेंट्स हैं वो कुछ इस प्रकार है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही, और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।